नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता। मेरे पूर्व डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी ने आपके सामने बात रखी। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस के अध्यक्ष थे। हा मोर्चा आक्रमक झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईचा भडका उगारला। यावेळी रस्त्यावर उतरलेल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं। यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचाही समावेश होता। बिलकुल, एक काँग्रेसची मोहीम आहे, त्यामुळे युवक काँग्रेसच्या बरोबर आम्ही सगळेजण किस तरीके के महाराष्ट्र में आप सबको पता है बेरोजगारी के नाम पे युवा का विश्वासघात करने का काम कोई किया है, ये सरकार ने किया है। क्यों? पेपर लीक बार बार नोटिफिकेशन के बाद पेपर लीक हो रहा है। बच्चे लोग इतना दिन भर रात तैयारी करता है एग्जाम लिखने के लिए, वहाँ पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद इन लोग ने उसमें भी एप्लीकेशन का पैसा लूटने के लिए किस तरीके से इन लोग ने कर रहा है। यहाँ का जो सारे यहाँ से गुजरात भेजने का काम कर रहा है, या जो भी स्कीम आता है या जो भी फैक्ट्री लगता है जो भी आता है उसको गुजरात भेजने का काम कर रहा है। ये सरकार को महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र का छात्र और महाराष्ट्र का किसान, इनको सबक सिखाने का काम करेगा। सर, ज्या प्रकारनी आम्ही इथे आज नोकरी भरतीसाठी आलो होते आणि ज्या प्रकारनी आम्हाला हे प्रशासन अरेस्ट करून चाललं आहे, हे चांगलं नाहीये। आम्ही युवकांचा आवाज घेऊन आज इथे बाहेर निघालो, अजून आम्हाला इथे पकड घेऊन गेले आहेत आणि शेत आहे।